अल्लाह रब العالمین का लाख लाख शुक्र रब करीम का बड़ा ही एहसान है कि जिस रब कायनात ने हम गुनाहगारों को शक्ल इंसानी में पैदा फरमाया और हर दौर के अंदर इंसानियत की रहनुमाई और हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने ऐसे हादी और रहबर पैदा फरमाए कि जिनकी तालीम तबलीग और तदरीस और सोहबत से क़यामत तक इस इंसानियत की इल्मी फिक्री और रूहानी तरबियत होती रहेगी। गुज़श्ता मेरा दर्स जो मंडे को हुआ था और उससे पहले गुज़श्ता जुमातुल मुबारक को, उसका टॉपिक तालीमात और अफकार और फिक्र आफ महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शहबाज लामकानी अश्शेख अब्दुल क़ादिर अल जीलानी अल मारूफ हुज़ूर ग़ौसुल आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो, इस पर हमारे दुरूस का सिलसिला जारी और सारी है। सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी पाक की उम्मत की जो इल्मी फिक्री और रूहानी तरबियत की है और जो अपनी तालीमात और अफकार के नकूश छोड़े हैं, वो क़यामत तक इंसानियत की बिलअमूम और अहले ईमान की बिलखसूस रहनुमाई करती रहेगी। आपके दुरूस को अल्लाह ने ऐसा दवाम बख्शा कि बगदाद की जामे मस्जिद से अपने नाना के मिंबर पर बैठकर और जामे मस्जिद के मसल्ले की इमामत और जामे मस्जिद के मिंबर पर बैठकर आपने जो दीन की तबलीग और तालीम की सदा शुरू की, उसमें अल्लाह ने इतनी बरकतें डाली कि थोड़े ही अरसे में मस्जिद में जगह कम पड़ गई, इज्तिमा मैदान में मुंतकिल हुआ, मैदान में जगह कम पड़ गई, फिर इज्तिमा सहरा में मुंतकिल हुआ और आपके एक एक इज्तिमा के अंदर हजारों अफराद शिरकत फरमाते और रुश्द व हिदायत और तालीम व तअल्लुम का ऐसा नूर लेकर उठते कि उन्हें इल्म का नूर भी मिलता और मारिफत का नूर भी मिलता। क्यों? अल्लाह ताला ने सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो के तक़वे, आपकी तहारत, आपके कामिल ईमान और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत
और उसके प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिही वसल्लम की सीरत और सुन्नत की पाबंदी को अपनी बारगाह में मेरे रब ने इतना कबूल कर दिया था कि उनकी जबान से आवाज निकालने की देरी होती थी, वो बेरा रवि शिगे शिकार दिलों को भी फतह कर दिया करते थे, और जिन दिलों के अंदर कुफ्र और शिर्क का अंधेरा होता उनमें आपकी निगाह से, आपकी सोबत से और आपकी तालीम से ईमान का नूर मनवर हो जाता। हजारों लाखों गुम गश्ता राह को शेख अब्दुल कादिर जीलानी की मजालिस ने हिदायत के ओजे सरैया पर पहुंचाया। आप हालात जमाना पर पूरी नजर रखते थे, क्योंकि ये जितने औलिया अल्लाह होते हैं ये मुशाहिदाती दुनिया के शाहसवार होते हैं। अल्लाह ताला ने इनको जो इल्म अता किया होता है और इखलास की बिना पर उनके अमल और उनकी सोबत में जो असर रखा होता है वो लोगों के दिलों में नक्श हो जाया करता है, और फिर हजारों की तादाद में लोग जो बेरा रवि और गुमराही का शिकार होते हैं उन्होंने आपकी सोबत में आकर तायब होकर सुन्नत रसूल और सीरत मुस्तफ़ा के दामन थामा। आपकी तालीमात और अफकार में आपकी जमाने के ऊपर हमेशा नजर रहती थी, हालात पर नजर रहती थी, जमाने के जो तगैयरात थे उन पर नजर रहती थी, और नजर भी ऐसी थी कि खुद बयान करते हैं कि नजर तो इला बिलादिल्लाह जमअन का हर दौलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। आप फरमाते हैं कि मेरे रब ने मुझे ऐसी नजर अता फरमाई है और मेरे रब ने मेरे सामने से इस तरह हिजाबात को हटा दिया है कि नजर तो इला बिलादिल्लाह जमअन, मैं तमाम कायनात के अंदर इस रूए जमीन के ऊपर जितने भी ममालिक हैं, जितने भी मुल्क हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मैं बैठा बगदाद में हूं लेकिन हर शहर मेरे सामने है, मशरक भी मेरे सामने है, मगरब भी मेरे सामने है, शमाल भी मेरे सामने है, जनूब भी मेरे सामने है। और उस जिस दौर के अंदर सरकार गौसे आजम इस दुनिया में तशरीफ लाए ये 5वीं सदी हिजरी थी, सन 471 हिजरी आपका यौम पैदाश बताया जाता है, अहले सीयर में लिखा है, और 561 हिजरी आपका यौम विसाल है, 11 रबीउस्सानी 561 हिजरी ये आपका यौम विसाल है। इस तरह आपने इस जहान के अंदर तकरीबन 90 साल की जिंदगी गुजारी है। कितनी 90 साल की जिंदगी में आपने लाखों दिलों को हिदायत का नूर अता फरमाया, इल्म का नूर अता फरमाया, रूहानियत का नूर अता फरमाया। उलामा और मुहद्दिसीन ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने जो वलायत के दर्जे कायम किए हैं उन वलायत के दर्जों में सबसे जो अजीम दर्जा होता है सहाबियत के बाद जो वलायत का दर्जा है वो सबसे अजीम दर्जा वो दर्जा है जिसको गौसियत कुबरा कहते हैं। क्या कहते हैं? गौसियत कुबरा कहते हैं या कुतब का मनसब होता है कुतबियत कुबरा, गौसियत कुबरा या कुतबियत कुबरा, ये तसव्वुफ के अंदर और वलायत के अंदर ये सबसे बड़ा मनसब होता है। और अल्लाह ताला ने हजरत सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को गौसियत कुबरा का मनसब अता फरमाया था।
قطبیت کبرا کا منصب عطا فرمایا تھا اور تمام جہان کے حالات واقعات اور تغیرات پر آپ کی نظر ہوتی تھی اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق زمانے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر سرکار غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی تبلیغ کو، اسلام کے نور کو اور اسلام کی تعلیمات کو کائنات عالم تک پہنچایا۔ مثلاً ایک درس کے اندر آپ فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ صاحب، یعنی آپ کی مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہزاروں کا مجمع تھا، ان کو آپ مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ صاحب، کیا میری صحبت میں بیٹھنے والے لوگوں، اس وقت جو چیز میں حالات زمانے کے اندر دیکھ رہا ہوں، فتنوں کی وجہ سے، فسادات کی وجہ سے، کفر و شرک کی وجہ سے اور دین سے دوری کی وجہ سے اور بے عملی کی وجہ سے، لوگوں کے اندر سے اسلام ختم ہو رہا ہے اور گمراہی پھیل رہی ہے، لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، گمراہی پھیل رہی ہے، اور آپ اس حال دل کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ میرے پیارے آقا جناب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کی دیواریں پے در پے گر رہی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں جو اپنی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں وہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ نبی پاک کے دین کی دیواریں گر رہی ہیں، لوگوں نے بے عملی کی وجہ سے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، سنت رسول کو ترک کر دیا ہے، اور لوگ دین سے دوری ہو کر گمراہی یا کفر و شرک کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دین کو بھی بچائیں اور اپنے اولادوں کے دین کو بھی بچائیں۔ یہ سرکار غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فکر دی اس دور کے اندر۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ جو 500 ہجری کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور تھا، فسادات کا دور تھا، تفرقہ بازی کا دور تھا، کفر و شرک کا دور تھا۔ ایسے دور کے اندر جو لوگ دین سے بالکل دوری اختیار کر چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فراست عطا فرمائی تھی، جو علم کا نور عطا فرمایا تھا، آپ نے لوگوں کو، بکھری ہوئی انسانیت کو، بکھرے ہوئے مسلمانوں کو، ٹکڑوں میں بٹے ہوئے مسلمانوں کو، اور دین سے دوری اور گمراہی کے اندر ڈوبے ہوئے لوگوں کو گمراہی سے کے اندھیرے سے نکال کر راہ ہدایت کے اوپر لا کر ان پر ایسی نگاہ ولایت ڈالی اور ایسی صحبت اور ایسا علم کا ان کو جام پلایا کہ آپ کے دور کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو عالم بیداری میں بھی آپ کی مجلس کے اندر دیدار مصطفیٰ ہوا اور خواب کی حالت میں بھی دیدار مصطفیٰ ہوا۔ میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ کی سیرت کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے اندر یہ واقعہ نقل ہے کہ ایک مجلس میں سرکار غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے ہیں، اس میں ہزاروں کا اجتماع ہے، 40-40 ہزار، 70-70 ہزار کا اجتماع اس کے اندر موجود ہے۔ اس اجتماع کے مڈل کے اندر ایک اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی درس سننے آئے تھے۔ علماء اولیاء کی ایک لائن لگی ہوتی تھی، پبلک تو ہوتی ہی ہوتی تھی، لیکن جس طرح پبلک کا ہجوم ہوتا تھا، اس طرح غوثِ پاک کی بارگاہ کے اندر اور آپ کے دروس کے اندر علماء، آئمہ اور اولیاء کاملین کا ہجوم ہوتا تھا۔ اجتماع کے مڈل کے اندر ایک اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام تھا حضرت سیدنا علی حیدی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ درس کے دوران ان کی آنکھ لگ گئی۔ کیا ہو گئی؟ اچھا، آنکھ لگ گئی، غوثِ اعظم منبر پر بیٹھے درس دے رہے ہیں، ہزاروں قدم دور حضرت علی حیدی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بیٹھے بیٹھے اونگ آئی، آنکھ لگ گئی، اور وہ آنکھ کے جیسے ہی آنکھ لگی تو خواب دیکھتے ہیں کہ وہ نبی پاک کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ حضرت علی حیدی کیا خواب دیکھتے ہیں؟
कि वो नबी पाक की बारगाह के अंदर मौजूद हैं और वो ख्वाब में नबी पाक का दीदार कर रहे हैं। गौसे आजम जैसे ही उनको ख्वाब आया ना हजरत अली हैती को, सरकार गौसे आजम ने अपना दर्स रोक दिया। क्या कर दिया? जो गुफ्तगू कर रहे थे मिंबर पर बैठे हुए, उस गुफ्तगू को रोक दिया। पब्लिक सारी हैरान है, हजारों का इज्तिमा है, आप मिंबर से नीचे उतर गए, लोगों के बीच से गुजरते गए और लोगों को इशारा किया कि आप लोग बैठे रहे, कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। मिंबर से नीचे उतरे, एक सफ, दूसरी सफ, तीसरी सफ, चौथी सफ, जहां मिडल में वो हजरत अली हैती बैठे सो रहे हैं, और सरकार गौसे आजम उनके पास जाकर दस्त बस्ता इस तरह हाथ बांध कर सर को झुकाकर सरकार उनके सामने खड़े हो गए। अब हजारों का इज्तिमा है, ये सारा मंजर देख रहा है, क्या कर रहा है? अब किसी उनकी वलायत का रोब इतना होता था कि किसी की जरूरत भी नहीं कि वो पूछे कि क्या हो रहा है। इज्तिमा हजारों का है, आपने वाज रोक दिया, नीचे उतरे, दरमियान में जाकर हजरत अली हैती के पास काफी देर तक खड़े रहे, मजमा देख रहा है, अजीब व गरीब मंजर। काफी देर के बाद हजरत अली हैती की जब आंख खुली तो उन्होंने देखा कि सरकार गौसे आजम तो मेरे सर पर खड़े हैं। वो एकदम अदब में खड़े हुए, खड़े होकर अर्ज की कि हुजूर मैं माफी चाहता हूँ, मुझे बैठे बैठे आंख लग गई थी। बस इतना कहा तो आपने फरमाया कि आंख तो लगी थी लेकिन मौजूद तो नबी पाक की बारगाह में थे ना। तो उन्होंने कहा हुजूर बिल्कुल। तो आपने फरमाया कि जब मैंने देखा कि तुम नबी पाक की बारगाह में हाजिर है और बराह रास्त तुझे नबी अलैहिस्सलाम अपना दीदार अता कर रहे हैं आलम ख्वाब में, तो इस दौरान मैंने नबी पाक की मजलिस के अंदर नबी पाक की मौजूदगी में वाज करना गुस्ताखी समझा, इसलिए मैं भी आकर खड़ा हो गया कि तू दीदार कर रहा है, मैं क्यों ना दीदार करूंगा। अच्छा, अब ये वाकया सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इस वाकये के हजारों उस मजलिस के गवाह मौजूद हैं। अब इसमें जो चीज समझने की है, जो चीज मैं आपको से कई दफा आपने उलमा से, मशायख से, वाइजीन से ये वाकया सुना होगा, लेकिन इस वाकये को पढ़ने के बाद मैंने इस पर गौर करके एक नतीजा निकाला जो मैं आपको असल में समझाना चाहता हूं। वाकया तो आपने कई दफा सुना होगा, अब इसमें नतीजा ये है कि ये जो कहते हैं ना कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, कि जो वली की निगाह होती है ना वो एक ऐसी नजर होती है कि जिसके बारे में खुद गौसे आजम क्या फरमाते हैं कि नजर तो इला बिलादिल्लाह जमान का हर दलतिन अला हुक्म इत्तेसाली, और एक दफा फरमाते हैं कि नजर मन दर लोहे महफूज अस्त, कि मैं बैठा जमीन पर होता हूं और लोहे महफूज को अपनी आंखों के सामने देखता हूं। अब इसमें जो समझने की बात है, बात यह है कि देखे मजलिस एक है, क्या है? मजलिस एक है, और उस एक मजलिस के अंदर एक अल्लाह के वली को आलम ख्वाब में दीदार मुस्तफा हो रहा है, और उसी मजलिस में सरकार गौसे आजम को आलम बेदारी में सरकार का दीदार हो रहा है। अब ये उनका करम है कि वो किसको किस तरह नवाजते हैं, यानी सरकार का ये करम है कि किसी को ख्वाब में दीदार करा दें, किसी को आलम बेदारी में दीदार करा दें, और जो मोहब्बत से मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम को दुनिया के किसी कोने में भी बैठकर जब नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ता है तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो बंदा मोहब्बत से मुझ पर जो है वो दुरूद व सलाम पढ़ता है तो फिर क्या होता है, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फिर क्या होता है कि अल्लाह ताला मेरी रूह को उसकी तरफ मुतवज्जे कर दे, वो दुनिया के किसी भी कोने के अंदर हो, हुजूर फरमाते हैं कि मैं उसके सलाम को, उसके दरूद को, उसकी मोहब्बतों को सुनता हूं और उसका मैं क्या करता हूं, जवाब देता हूं। अब मजलिस एक है हजरत अली हैती की, उनको आलम ख्वाब में दीदार मुस्तफा हो रहा है, और उसी मजलिस में सरकार गौसे आजम को आलम बेदारी में दीदार मुस्तफा हो रहा है। ये नबी पाक की बारगाह से आपका ताल्लुक था, आपका वास्ता था। तो आप फरमाते हैं कि जो मैं अपनी निगाह से देख रहा हूं कि लोग बेअमली की वजह से दीन को कमजोर कर चुके हैं, लोग सुन्नत की मुखालिफत की वजह से दीन से दूर हो रहे हैं, लोग जुल्म की वजह से दीन से दूर हो रहे हैं,
लोग नाइंसाफी की वजह से दीन से दूर हो रहे हैं, हुक्मरान तबका है तो वो जुल्म और जबर की वजह से उन लोगों के हुकूक खाकर जो है वो लोगों पर जुल्म करते हुए जो है वो दीन से दूर हो रहा है। आवाम है तो वो दुनिया के अंदर इतने मैव और मस्त हो चुके हैं कि उन्हें न फराइज की परवाह है, न वाजिबात की परवाह है, न दीन की परवाह है, न सुनन की परवाह है, न खौफ खुदा है, उनके दिल सख्त हो चुके हैं। आप फरमाते हैं जो मंजर अब्दुल कादर अपनी निगाह से देख रहा है ना, उस निगाह से कि जिसमें जिस निगाह से बैठे बैठे आलम बेदारी में दीदारे मुस्तफा। आप फरमाते जो नजर अब्दुल कादर दुनिया को देख रहा है ना, वो ये देख रहा है कि नबी पाक के दीन की दीवारें गिर रही हैं। क्या फरमाते हैं कि दीन की दीवारें पे दर पे गिर रही हैं और उसकी बुनियादें बिखर चुकी हैं और बिखर रही हैं। आप फरमाते हैं कि ऐ बाशिंदगान जमीन, ऐ जमीन पर रहने वाले इंसानों, जो मेरे नबी के उम्मती हो और बिलखसूस वो लोगों जिनको अल्लाह ने ईमान का नूर दिया है, आप फरमाते हैं अब्दुल कादिर जीलानी तुम्हें आवाज दे रहा है, अब्दुल कादिर जीलानी तुम्हें पुकार रहा है, अब्दुल कादिर जीलानी तुम्हें सदा दे रहा है कि आओ। क्या फरमाते हैं कि आओ, फरमाते हैं आओ जो गिर गया है उसे दोबारा तामीर करें। क्या मतलब कि जितनी आपने दीन से दूरी इख्तियार की है उससे तौबा करो, जो बेअमली की जिंदगी गुजारी है उससे तौबा करो और आइंदा गुनाह न करने का इरादा करो, जो खुदा ने तुम पर फराइज रखे हैं, जो नमाजें अल्लाह ने तुम पर फर्ज की हैं, जो मामलात अल्लाह ने तुम पर फर्ज किए हैं, जो हुकूक अल्लाह ने तुम पर फर्ज किए हैं, उन फराइज को अदा करके अपनी दीनी जिम्मेदारी को समझते हुए फरमाया अपने दीन की हिफाजत करोगे, फरमाया तुम दीन की हिफाजत करोगे खुदा तुम्हारी हिफाजत करेगा। कहते हैं कि मैं अपनी नजर से और हालात जमानों को देखकर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि हालात जमाने को जो मैं देख रहा हूं कि नबी पाक के दीन की दीवारें पे दर पे गिर रही हैं और दीन की बुनियादें हिल चुकी हैं, लोग बेअमली का शिकार हो चुके हैं, लोगों ने सुन्नत रसूल को छोड़ दिया है। यही वजह है कि हदीस पाक के अंदर आता है कि हुजूर अल नबी अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर एक ऐसा जमाना आएगा कि लोग मेरी सुन्नत को भूल जाएंगे। क्या करेंगे, दुनिया के अंदर दुनियावी मामलात के अंदर दुनियावी मसरूफियात के अंदर लोग इतने मैम हो जाएंगे कि हुजूर फरमाते हैं कि लोग मेरी सुन्नत को भूल जाएंगे। और हुजूर ने फरमाया उस गए गुजरे दौर के अंदर जो शख्स मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा, क्या करेगा, मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा ऐसे दौर के अंदर जिस दौर में लोग दीन से दूरी और सुन्नत को भूल जाएंगे, सुन्नत को मफकूद कर देंगे। फरमाया उस दौर में जो बंदा मेरी सुन्नत को जिंदा करेगा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खुदा उसे 100 शहीदों का सवाब अता करेगा। सरकारे गौसे आज़म फरमाते हैं कि मैं देख रहा हूं कि नबी अल्लाह के हबीब के दीन की दीवारें गिर रही हैं, दीन कमजोर हो चुका है, लोग दीन से दूरी इख्तियार कर रहे हैं, लोगों ने नमाजें छोड़ दी हैं, लोगों ने फराइज को छोड़ दिया है, लोगों ने वाजिबात को छोड़ दिया है, लोग अपनी कब्र को भूल चुके हैं, अपनी आखिरत को भूल चुके हैं, अजाब कब्र को भूल चुके हैं, लोग तरह तरह की मुश्किलात और मसाइब और दुनिया के अंदर इतने फंसे हुए हैं कि फरमाया कि मैं देख रहा हूं कि अल्लाह के नबी के दीन की दीवारें गिर रही हैं, उसकी बुनियादें गिर चुकी हैं। फरमाते हैं कि बाशिंदगाने जमीन आओ, अब्दुल कादिर जीलानी तुम्हें मशवरा देता है, सदा देता है, आओ मेरे साथ मिलकर दोबारा जो दीन से हमारी दूरी इख्तियार हो चुकी है हम दोबारा दीन के करीब होते, आओ जो दीवारें गिर चुकी हैं हम उनको दोबारा तामीर करें, जो बुनियादें हिल चुकी हैं हम उनको दोबारा सुन्नत के साथ, नेकी के साथ, नमाजों के साथ, कयाम के साथ, कऊद के साथ, सजदों के साथ, हुकूक की अदायगी के साथ, फराइज की अदायगी के साथ, सुनन की अदायगी के साथ, वाजिबात की अदायगी के साथ और नबी पाक की सुन्नत और सीरत और
इताअत और फरमाबरदारी के अमल के नूर के साथ हम भी अपने दीन को दोबारा जिंदा करें। फरमाया जो अल्लाह के नबी के दीन को जिंदा करता है खुदा उसको जिंदगी अता फरमाता है। और सरकार गौसे आजम को की इसी अमल की वजह से अल्लाह ताला ने आपको मुहियुद्दीन का लक़ब अता फरमाया। और मुहियुद्दीन का माना ही क्या है? दीन को जिंदा करने वाला, दीन को जिंदगी बख्शने वाला। इसलिए सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं जो जो गिर गया है उसको दोबारा तामीर किया जाए, उसको दुरुस्त किया जाए। फरमाया कि ये चीज किसी एक के बस, ये अमल किसी एक की के बस की बात नहीं। क्यों? इज्तिमाई तौर पर उम्मत बेअमली का शिकार हो चुकी है, इज्तिमाई तौर पर उम्मत दीन से दूर हो चुकी है, इज्तिमाई तौर पर लोगों ने नमाजों को छोड़ दिया है, इज्तिमाई तौर पर लोगों ने फराइज को छोड़ दिया है, इज्तिमाई तौर पर लोगों ने बेअमली की जिंदगी इख्तियार कर ली है। इसलिए फरमाया कि हालात जमाना का तकाजा ये है कि फरमाया कि दीन की जो बुनियादें गिर चुकी हैं हम सब मिलकर उनको दोबारा तामीर करें सब। इसीलिए देखें ना हदीस के अंदर आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हुजूर ने फरमाया कि अगर तो नमाज का वक्त हो, सरकार ने फरमाया कि जो शख्स जो है वो अकेला नमाज कहीं पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको एक नमाज का सवाब अता फरमाता है। क्या करता है? और वही नमाज अगर बंदा आकर मोहल्ले की मस्जिद के अंदर जमात से अदा करे, कहां करे? मोहल्ले की मस्जिद के अंदर जमात से वो नमाज अदा करे, या कहीं भी हो जमात के साथ नमाज अदा करें, तो नबी पाक ने फरमाया कि नमाज वही है, अजर बढ़ जाएगा, अल्लाह एक के बदले 27 नमाजों का सवाब अता फरमाएगा। और फिर नबी पाक ने फरमाया कि वही नमाज अगर बंदा जामे मस्जिद के अंदर आकर जमात से अदा करे, जिस मस्जिद में जुमा होता है उस मस्जिद के अंदर अगर बंदा आकर वही नमाज जमात से अदा करे, तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे 500 नमाजों का सवाब अता फरमाएगा। नमाज वही है, अजर बढ़ गया। और हुजूर ने फरमाया वही नमाज अगर बंदा बैतुल मक़दस के अंदर मस्जिद अक्सा में अदा करे, क्या करे? नमाज वही है, वक्त वही है, लेकिन जगह और निस्बत बदल गई, क्योंकि बंदा सफर करते करते जमीन के उस टुकड़े पर पहुंच चुका है जहां पर 125,000 अंबिया ने अपना सजदा रखा। और मेराज की शब तो तमाम अंबिया ने मेरे मुस्तफा के पीछे मस्जिद अक्सा में नमाज अदा की या नहीं अदा की? हुज़ूर ने फरमाया कि नमाज वही है, अगर बंदा मस्जिद अक्सा में वो नमाज अदा करेगा तो 25,000 नमाजों का अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। और सरकार ने फरमाया करम हो गया, बंदा हरम पहुंच गया, खाना काबा में पहुंच गया, मस्जिद हराम में पहुंच गया, तो फरमाया नमाज वही है, अल्लाह ताला उस हरम की निस्बत की बरकत से अल्लाह ताला नमाज वही है, खुदा उसे 1,00,000 नमाजों का सवाब अता फरमाएगा। और फरमाया कि अगर बंदा मदीना तैयबा पहुंच जाए तो नबी अलैहिस्सलाम की दो हदीसें हैं, एक हदीस के मुताबिक हुजूर ने फरमाया कि जिसने मेरी मस्जिद मस्जिद नबवी में नमाज अदा की खुदावंदे कुद्दूस उसे 50,000 नमाजों का सवाब अता फरमाया एक नमाज के बदले, और एक रवायत के मुताबिक अल्लाह उसे 1,00,000 नमाजों का सवाब अता फरमाया। तो ये इज्तिमाई इबादत के अंदर, इज्तिमाई जिक्र के अंदर, इज्तिमाई मजालिस के अंदर जिसमें दीन बयान हो रहा हो, जिसमें फिक्र बयान हो रही हो। इसलिए देखिए हफ्ते के तो 7 दिन हैं, लेकिन जुम्मे के दिन को मेरे मुस्तफा ने क्या फरमाया कि यौमल जुमअत ईदुल मुमिनीन। हुजूर ने फरमाया कि जुम्मे का दिन मोमिनीन के लिए ईद का दिन होता है। क्या होता है? ईद का दिन होता है। और यही वजह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत औस बिन औस रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, आप बयान करते हैं कि सरकारे द्वार काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे हबीब नबीब नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इग्तसला यौमल जुम्मते व गस्सला व बक्करा व अब तकारा व दानन व स्तमा। फरमाया कि जिस शख्स ने जुम्मे के दिन गुसल किया या गुसल कराया, जैसे कि गुसल कराने की हुजूर ने शर्त क्यों लगाई है? ताकि वालदैन ये जिम्मेदारी समझें कि जुम्मे के दिन खुद भी गुसल करें, अपने बच्चों से को तरगीब दें कि आज जुम्मे का दिन है, आज गुसल करो, और गुसल करके क्या करो? फरमाया कि जो है वो ये नबी पाक की सुन्नत है, जुम्मे के दिन गुसल करना, मिसवाक करना,
धुले हुए साफ कपड़े पहनना ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हुजूर ने फरमाया जिसने जुम्मे के दिन गुसल किया या गुसल कराया और सबसे पहले मस्जिद के अंदर पहुंचा, क्या हुआ? सबसे पहले मस्जिद के अंदर पहुंचा और खुतबा शुरू होते ही, खतीब के खुतबा शुरू होते ही वो आकर सुना, अगर पहली सफ के अंदर खुतबा सुना तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसे हर कदम के बदले में एक नेकी अता फरमाएगा, उसका एक गुनाह माफ फरमाएगा और उसे एक साल के रोजू और एक साल अल्लाह की रास्ता में कयाम करने के बराबर सवाब अता फरमाएगा। क्यों? जुम्मे के दिन इज्तिमाई इबादत होती है, सब लोग जमा होकर अल्लाह की इबादत करते हैं, तो जिस जगह इज्तिमाई इबादत हो उसमें खुदा की रहमत का क्या होता है? नजूल होता है। इसी तरह बाजमात नमाज पढ़ने से अल्लाह की रहमत का नजूल होता है। तो सरकारे गौसे आजम फरमाते हैं कि जब सब लोगों ने, तमाम लोगों ने मिलकर दीन की बुनियादों को कमजोर किया है तो अब जरूरत इस अमर की है कि हर शख्स अपना हिस्सा डाले। वो अपना हिस्सा क्या डाले? किसी दूसरे पर एहसान न करे। हर बंदा पाबंद हो जाए कि मैंने 5 वक्त की नमाज पढ़नी है जमात से। हर बंदा पाबंद हो जाए कि मैंने कुरान की तलावत करनी है। हर बंदा पाबंद हो जाए कि खुदा ने मेरे जिम्मा जो हुकूक और फराइज लगाए हैं मैंने उनको अदा करना है। फरमाया कि जो बंदा सुन्नत मुस्तफा, सीरत मुस्तफा के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा तो फिर क्या होगा? फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी जिंदगी के अंदर बरकत पैदा करेगा। तो सरकारे गौसे आजम फरमाते हैं कि जब सब ने मिलकर दीन को कमजोर किया है तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम मिलकर वापस दीन को उठाए, हम सुन्नत की पाबंदी करें, हम दीन की पाबंदी करें, हम नमाजों की पाबंदी करें, हम फराइज की पाबंदी करें, हम समझें कि हम नबी पा अल्लाह, हमने इस दुनिया को छोड़ना है, हमने कब्र में जाना है, हमारा माल भी इधर रह जाएगा, हमारा इख्तदार भी इधर रह जाएगा, हमारा इख्तियार भी इधर रह जाएगा, हमारा सब कुछ इधर रह जाएगा। इसलिए फरमाया कि क्या करो? आप फरमाते हैं कि आओ सब मिलकर इस काम को करें और सब मिलकर जब करेंगे तो खुदा उसमें बरकत पैदा फरमाएगा। फिर लोगों की हालत ज़ार को देखकर, जमाने की बेअमली को देखकर सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुशाहिदा करते हुए जो अल्लाह ने उनको मंजर दिखाया उस मंजर को बयान फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? कहते हैं साहिबो, ऐ मेरी मजलिस में बैठे हुए लोगों सुनो। आप फरमाते हैं कि इस्लाम रो रहा है। क्या हो रहा है? इस्लाम रो रहा है। फरमाया इस्लाम रो रहा है, अल्लाहु अकबर, और उन फासिकों की वजह से, उन गुमराह लोगों की वजह से, उन जाली पीरों की वजह से, उन फराड़ियों की वजह से, उन कारोबार में धोखा देने वालों की वजह से, उन इख्तदार की अमानत के अंदर खयानत करने वालों की वजह से, जिसको खुदा ने जो मनसब अता फरमाया है उस मनसब की वजह से आप फरमाते हैं कि इस्लाम रो रहा है और इस्लाम देख रहा है कि अल्लाह ने तो जो तुम्हें दीन दिया है वो दीन क्या है? मेरा रब फरमाता है लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मेरे रसूल की जिंदगी का एक एक लम्हा खुदा ने तुम्हारे लिए नमूना बना दिया है। जब रसूलुल्लाह की जिंदगी का एक एक लम्हा हमारे लिए नमूना है, हम सीरत को भूल गए, हम सुन्नत को भूल गए, हम फराइज को भूल गए, हम वाजिबात को भूल गए, हम जकात और रोजे को भूल गए, हम हज को भूल गए, हम दुनिया के अंदर इस कदर मैम हो चुके हैं कि हमने दीन से दूरी इख्तियार कर ली है। आप फरमाते हैं कि लोगों की बेअमली की वजह से, जहालत की वजह से, जाहिलों और मक्कारों और धोखेबाजों की वजह से इस्लाम रो रहा है। आप फरमाते हैं कि आओ वापस पलट कर आ जाओ, सच्ची तौबा कर लो। जो अगर कोई कारोबारी है तो वो तजारत में धोखा ना करे, अगर कोई इख्तदार और इख्तियार को ले रहा है तो वो उसमें धोखा ना करे। ताकि यहां तक अल्लाह ताला ने आपको मुशाहिदा दिया था कि उस दौर का जो बादशाह था वो गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुआ और उसने कई दफा उनको दावत दी कि हुजूर मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे यहाँ दावत के लिए चलें, मेरे यहाँ आप तशरीफ ले चलें। तो आपने कहा कि मैं हुक्मराना देख कर दावत नहीं खाऊंगा, लेकिन चूंकि वो आपका दीवाना था उसने कहा जी नहीं, आपको मेरी दावत कबूल करनी होगी। तो आपने फरमाया कि मैं जो बात कर रहा हूँ तेरे हक में बेहतर है। तो उसने कहा जी नहीं। फिर वो क्या, वो बादशाह
वो अशराफियों की दो थैलियां लेकर आया, सिक्के जो होते हैं मनी के, वो अशराफियों की दो थैलियां लेकर आया और उसने कहा जी ठीक है कि अगर आप मेरी दावत कबूल नहीं करते, ज़ाहिर हाकिम था, हुक्मरान वक्त था, तो आपको ये मेरा नजराना कबूल करना पड़ेगा। तो सरकार वसी आजम ने फरमाया कि भाई मैं हुक्मरानों का नजराना भी कबूल नहीं करता। उसने कहा जी नहीं हुजूर, आज तो आपको लेना पड़ेगा, आप मेरी मोहब्बत को न ठुकराएं। आपने फरमाया मैं तो तेरा पर्दा रख रहा था लेकिन अब तू नहीं छोड़ रहा है तो लिया। आपने वो अशरफियों की थैली ली, इस तरह हाथ में पकड़ा, हाथ में पकड़ने के बाद उसको इस तरीके से घुमाया, जिस तरह नहीं कपड़ा धोने के बाद निचोड़ते हैं, इस तरह जब उस अशरफियों की थैली को, वो जो चांदी के सिक्के थे उनको जिस वक्त घुमाया ना, तो उस थैली से खून टपकना शुरू हो गया। क्या हो गया? थैली से खून टपकना शुरू हो गया, वो डर गया। आपने फरमाया ये लोगों का खून चूस कर तू मुझे नजराना दे रहा है, तो अब्दुल कादर जिलानी को नजराना दे रहा है। इसलिए सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि इस्लाम की बुनियादें हम सब ने मिलकर हिलाई हैं, हमने बेअमली की वजह से, जुल्म की वजह से, अमानत में खयानत की वजह से, फराइज पर अमल न करने की वजह से, लोगों दीन से दूरी इख्तियार करने की वजह से हम जो है वो इस्लाम की बुनियादों को हिला चुके हैं। आप फरमाते हैं कि आओ फिर क्या होगा? फरमाया कि जब हम सच्ची तौबा करके दीन की तरफ आएंगे तो अल्लाह ताला इसके अंदर बरकत पैदा फरमाएगा। यही वजह है कि नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर एक ऐसा जमाना आएगा कि लोग दीन से इतना दूरी इख्तियार कर लेंगे और इतना बेहिस हो जाएंगे कि हुजूर ने फरमाया कि ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु। हुजूर ने फरमाया कि इस्लाम लोगों के अंदर सिर्फ नाम का रह जाएगा, नाम के लोग मुसलमान होंगे। मुसलमान टाइटल मुसलमान है तो रिश्वत ले रहा है, टाइटल मुसलमान है तो बेनमाजी है, टाइटल मुसलमान है तो शराब मुंह को लगाए हुए है, टाइटल मुसलमान का है तो जना के अंदर पकड़ा जा रहा है, टाइटल मुसलमान का है तो ऐसी ऐसी जो है ऐसे ऐसे जो है धोखे दे रहा है कि कुफर भी उससे पनाह मांग रहा है, शैतान भी उससे पनाह मांगता फिर रहा है। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर एक ऐसा वक्त आएगा कि ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु, लोगों के दरमियान इस्लाम सिर्फ नाम का रह जाएगा। वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, लोग कुरान को रस्म के तौर पर पढ़ेंगे। हालांकि कुरान का एक एक हर्फ पढ़ना इबादत है, तो रस्म के तौर पर कुरान को न पढ़ें। हमें कुरान उस वक्त याद आता है जब कोई हमारा फौत हो जाता है, हमने कुरान खानी करनी है। बस हम जिंदा हैं, हम जब खुद अपना कुरान पढ़ेंगे तो एक एक अपनी जिंदगी में कुरान को खत्म करेंगे हर साल, तो कितनी बड़ी अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। अल्लाह हमें दीन समझने की तौफीक अता